जैसे लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी कि आपने बताया था कि ईवी एंड इंडियन जो पेट्रोलियम में क्या डिफरेंस है, उससे क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि गवर्नमेंट जैसे इंडियन जो पेट्रोलियम है गैस है इस पर डिपेंडेंसी खत्म कर रही है धीमे धीमे, और इसका जो डेब उन्होंने ले रखा है दूसरी कंट्रीज से डिपेंडेंसी जो है वो खत्म हो रही है, बट एक साइड में ईवी की डिपेंडेंसी तो बढ़ा रही है ना, एक तरह से वो दोनों को बैलेंस करके चल रही है, इधर से वो अपना डेट कम कर रही है लेकिन उधर भी अपना डेट बढ़ा रही है कि जो ब्राजील और जो ऑस्ट्रेलिया जैसे देश है इनके पास लिथियम ज्यादा है वहां से वो डेट ले रही है परचेज कर रही है, तो एक तरह से बैलेंस ही तो हुआ, तो उसमें कुछ नया या कुछ एक तरह से डिपेंडेंसी एक से उठा के दूसरे पे करना हुआ, तो इसका क्या रीजन है? देखिए आप डिपेंडेंसी स्टिल जैसे गल्फ कंट्रीज के पास पेट्रोल ज्यादा है उधर है आपका डिपेंडेंसी, 5-6 कंट्रीज है बट एक्चुअल में कहने को 5-6 है वो है एक जैसे, और उनका ऑयल एंड गैस वाला संगठन भी बना हुआ है। अभी जैसे ब्राजील का आपने नाम लिया ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया, ये आपस में इंटरकनेक्टेड उस तरीके से नहीं है, उनके अपने अपने अलग अलग गोल्स हैं सारी चीजें, तो आप एक्चुअल में आपको लग रहा है कि ठीक है बाहर वालों के ही पास काम जा रहा है, बाहर के कंट्रीज के ही पास काम जा रहा है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा हो रहा है, तो अब ऑस्ट्रेलिया का और ब्राजील का उतना इंटरकनेक्शन नहीं है। अभी रिसेंट में जो ब्राजील में सरकार भी आई है वो भी प्रो इंडिया है, चाइना को कम फेवर करती है, अफगानिस्तान में इवन तालिबान की सरकार आई है स्टिल वहां पे लिथियम के बहुत सारे भंडार है, वो इंडिया को देने को तैयार है, तो वो अगर आप देखोगे तो इंडिया भी अपने कंट्री के अंदर इतने ज्यादा जोर शोर से सर्च कर रही है कि हो सकता है 1-8 साल के अंदर स्टोरी और बदल जाए। अभी काफी बड़े बड़े स्टॉक्स मिले हैं लिथियम के, काफी बड़े बड़े भंडार मिले, तो वो भी सिचुएशन ऐसी है कि वो हमें पता है मैनेज कर ले जाएंगे। इस वाले केस में क्या हो रहा है कि बहुत दूर से एक्सपोर्ट होके आ रहा है, अभी बीच में हम रशिया से भी ले रहे थे, सैंक्शंस लगे हुए थे तो हम वेनेजुएला वगैरह से नहीं ले पा रहे थे, बट अब हमारे पास वो भी ऑप्शन रह गया कि हम वेनेजुएला या ईरान से लें पेट्रोल, बट अभी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये कि हम डाइवर्सिफाई करें, और अपनी खुद की अपनी इंडिया की कंट्री में अगर आप देखो तो मारुति तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स कर रही है मैन्युफैक्चरिंग, टाटा भी जा रही है उधर, और बहुत सारे छोटे छोटे प्लेयर्स पैदा हो रहे हैं, तो हम ये एकदम एग्जैक्टली नहीं, हाँ थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन हम ये एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि हम पूरा डिपेंडेंट ही हो रहे हैं किसी और के ऊपर।